अस्सलाम वालेकुम, टीवी इंटेलेक्ट बख्श आमदेद आपका इन दोस्त चैनल। दोस्तों, जब हम कहीं जाते हैं तो हमें अक्सर नमाज की टाइमिंग्स, क़िबले का रुख और रमज़ान मुबारक में सेहरी और अफ्तार की टाइमिंग, इसकी बड़ी परेशानी रहती है। इस परेशानी को देखते हुए हम आपके लिए लाए हैं एक ऐप। आप जिस भी मकातिब फिक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, किस तरह सेहरी अफ्तारी के टाइमिंग्स मालूम करने हैं, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। हमारे साथ रहिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक भी कर दें ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे। दोस्तों, वैसे तो बहुत सारी ऐप्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, मगर हम लेके आए हैं आपके लिए प्रेयर टाइम, जिसको पब्लिश दावत इस्लामी ने किया है। इस ऐप की खास बात है कि एक फ्री ऐप है, यानी कि इस पर कोई इश्तहार नहीं होता और ये एंड्रॉयड और iOS दोनों वर्जन में अवेलेबल है, जिनके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिए हैं। चलिए फिर हम अब इस ऐप पे चलते हैं और आपको बताते हैं कि इसका किस तरह इस्तेमाल करना है। जी जनाब, ऐप को हम खोल लेते हैं। फिर इस तरह का इंटरफेस आ जाता है जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको तमाम नमाजों के औकात बताए जा रहे हैं और इसमें आपके अलर्ट्स भी हैं कि आप तमाम नमाजों के आगे ऑन एंड ऑफ भी कर सकते हैं कि कौन सी नमाज का आपको अजान या अलर्ट मालूम करना है या नहीं मालूम करना। इसके अलावा आप यहां पर देखें, जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो रात के तकरीबन 2 बज रहे हैं पाकिस्तान में, और यानी कि इशा में अभी 2 घंटे 46 मिनट्स रहते हैं नमाज में। अच्छा, अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि हम किस तरह अपनी लोकेशन सेट करें। तो लोकेशन सेट करने के लिए हम क्लिक करेंगे ऊपर आइकॉन में, वहाँ पर आपके पास लोकेशन ऑप्शन है और गेट लोकेशन पे क्लिक करके हम अपनी लोकेशन सेट कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप की खासियत में है कि इसमें लैंग्वेजेस भी डिफरेंट हैं, इंग्लिश, अरबिक, उर्दू, बंगाली, गुजराती, हिंदी। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर हम उर्दू सेलेक्ट करते हैं तो आप देखिएगा कि सारी सेटिंग उर्दू में हो गई है। और इसी तरह अगर हम यहाँ पर जागी ज़बाने में हिंदी सेलेक्ट करें तो देखें सारी सेटिंग्स हिंदी में हो गई हैं सब चीज़ें। तो इसमें लैंग्वेजेस का भी ऑप्शन मौजूद है। अब हम वापस इंग्लिश पे चले जाते हैं ताकि हम फर्दर प्रोसीड कर सकें। इस तरह हमने इंट्रो में आपको बताया था कि आप किसी भी मकातिब फिक्र से ताल्लुक़ रखते हैं तो ये ऐप आपके काम की है। मिसाल के तौर पर, अगर आप अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपके पास जितनी टाइमिंग्स आ रही हैं वो तो यही रहेंगी। हाँ, अगर आप अहले हदीस मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, अहले हदीस मकतब फ़िक्र में असर की नमाज अव्वल वक्त में पढ़ी जाती है तो उसकी भी सेटिंग मौजूद है। आप वापस आप मेन्यू में जाएँ और आप सेटिंग में क्लिक करें, फेयर टाइम कैलकुलेशन मैथड में जाइए, वहाँ पर आप हनफी की जगह शाफ़ी सेलेक्ट कर लीजिए और आप वापस आ जाइए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर असर का टाइम चेंज हो गया, यानी कि 4 बजे असर का टाइम है। अब हम वापस जाते हैं सेटिंग्स में और वापस हम इसको हनफी कर देते हैं तो देखिएगा कि वापस आपके टाइमिंग 5:06 हो चुकी। इसी तरह अगर आप शिया मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं तो इसी ऐप में आप फजर के वक्त 11 मिनट पहले और मगरब में 11 मिनट बाद आपकी टाइमिंग्स होंगी तो ये ऐप आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम सेहरी और अफ्तारी की टाइमिंग्स में। सेहरी और अफ्तारी की टाइमिंग्स के लिए आप इस ऐप में जो फजर की टाइमिंग है उससे आप 1 मिनट पहले अपना रोज़ा बंद कर लें, यानी कि सेहरी ख़त्म कर लें, और जब आपको अफ्तार करना हो तो इस ऐप में जो मगरिब का टाइम है उसके 30 सेकेंड बाद या एहतियात के तौर पर 1 मिनट बाद रोज़ा खोलें। शिया मकातिब फ़िक्र को फॉलो करने वाले हमारे दोस्त फजर में 11 मिनट पहले ख़त्म कर लें सेहरी और अफ्तारी मगरिब के टाइमिंग के 11 मिनट बाद अफ्तार करें। अब आ जाते हैं हम क़िबला डायरेक्शन की तरफ, और ऐप में आपको नीचे आपको क़िबले का आइकॉन नज़र आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे, देखें फैच करेगा कोऑर्डिनेट और आपको बता देगा कि इस रुख पर क़िबला है तो आप आराम से इस रुख पर जाके नमाज अदा कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ एहतियातें हैं जो बिल्डिंग्स के बारे में हैं, वो आप जो आई बटन है उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं और सेटिंग कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी नज़र में ये बहुत ही बेहतरीन ऐप है जिसमें आपको सेकंड्स में भी बताया जाता है कि नमाज का वक्त कब शुरू हो रहा है और नमाज का वक्त कब ख़त्म हो रहा है। अगर इस ऐप की हमें कोई थोड़ी बहुत कमी की बात करें तो वो ये है कि जो रिमेनिंग टाइमिंग है
उसमें मिनट्स में बात हो रही है, सेकंड तक नहीं गए। इनके डेवलपर से हमारी गुजारिश है कि अगर इसको सेकंड्स तक में ले जाएं तो ये ऐप और बेहतर हो जाएगी। दोस्तों, इस ऐप को सही तरीके से इस्तेमाल करके आप टाइमिंग से रिलेटेड हर तरह की परेशानी से बच सकते हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। शुक्रिया।